तो भैया ये हैं घर के सबसे बड़े लड़के। इनकी कद काठी को देख के घबराइएगा मत, क्योंकि ये जितने ऊपर से कठोर हैं उतने अंदर से नर्म हैं। ये घर के बड़े लड़के हैं लेकिन ना जाने क्यों जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। लेकिन हाँ, ये मोहल्ले के वही शख्स हैं जिसे बच्चा बच्चा जानता है। क्या हो गया, किसका फोन आ गया? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोल। क्या, कितने बंदे हैं? बस 5-10। रुक जा, अभी पूरी गैंग लेके आते हैं। भैया आप हमें बचाने क्यों नहीं आए? बंदे फूट गए चले। अरे यार, अब फिर लड़के आ गए तुम? अब कौन सा नया काम किए? इनके सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये हैं गोलू भैया, यानी कि रघु के छोटे भाई। ये जितने समझदार आपको दिखने में लग रहे हैं उतने समझदार ये हैं, है मतलब। बाकी इनका अपने गुस्से पर ज़्यादा कंट्रोल रहता नहीं है भैया, आपको पहले बता दे रहे हैं। हाँ, मगर अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। भैया हम कुछ नहीं किए, पिछले अलग-अलग में घेर के मारे हैं। अच्छा, तो तुम पहले गए? चलो रघु भैया, देखे जरा किस नाम लगा इसको। अब रहने दो, हम फोन किए थे रघु भैया को, आए नहीं, अब तो भाग गए होंगे। अरे कहाँ रघु भैया, झनकरा दिया ना अब तो, इतनी बॉडी कहाँ बना रखे हो, ये छोटा पिटके आ गया हमारा। अरे तू ठंडा हो जा, रुक जा, मैं देखता हूँ मसला क्या है। इसने कुछ पंगे लिए होंगे। हम कोई पंगे नहीं लिए हैं। अरे रुकिए रुकिए, कहानी तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। हम बताना भूल ही गए कि ये महाशय कौन है। ये हैं इस घर के सबसे छोटे भाई। ये इस समय जितने भोले दिख रहे हैं वैसे उतने ही शातिर भी हैं ये। और हम आपको दावे के साथ बता सकते हैं कि इस बार भी इन्होंने ही पंगे लिए होंगे, तभी पेले गए हैं ससुरे। अरे का हो गया, काहे चिल्ला रहे हो इतना? अरे सॉरी रघु भैया, आप कॉल पे बात करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमको पता था यही कुछ किया होगा। क्या किया? हम तुम्हें पहले कह रहे थे यही कुछ किया होगा। पैसे डबल करता फिर रहा है, अक्षय कुमार समझ रहे अपने आप को? हम अक्षय कुमार ही हैं। ओए भैया कुछ कह रहे हैं ना, सुन लो चुपचाप। भैया हमसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं सुन लीजिए। अरे रुको, तुम दोनों लड़ लो पहले, तुम दोनों रुक। बड़े लड़के हैं हम, आगे इज्जत ही नहीं हमारी है, जा रहे हम, लड़ लो तुम दोनों। अभी भी मजा ले रहा है बेशरम। भैया अभी मिट क्या है अपने मारे? और मारेंगे तुमको, अभी भी लड़ रहे हो, लड़ लो। हट बेशरम। इतने भी बेशरम नहीं हम। अरे आज तो दर्द है, कोई पानी पिलाएगा हमें? आप तो चले गए थे फिर आ गए। चुप। अरे लाइट। अरे हमें पढ़ना है, हम पढ़े नहीं है फेल हो जाएंगे। और बनो अक्षय कुमार जाके। अरे रघु भैया छोड़िए यार, काहे डांट रहे हैं इसको। अरे काम करिए, टॉर्च निकालिए, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। अरे अरे बंद करो रघु भैया। ओ तुम इधर आके बैठो, हम तुम्हें पढ़ाते हैं। U is equals to क्या होगा? -2, ठीक है? -2। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हमें गर्मी लग रही है। अरे नखरे बहुत है तुम्हारे, पढ़ो शांति से, पढ़ो। चलो अब आवा करते हैं। अब देखिए जितना ये लड़ रहे थे उतना ही आपको इनमें प्यार भी दिखेगा। अरे ये क्या हो गया? और नहीं पकड़ा जाएगा इसको, दर्द हो रहा है हाथ में हमारे। रुको हम कुछ करते हैं।
मजाक सूझ रहा है तुम्हें? हमने पढ़ने के लिए टॉर्च जलाई है, हम नहीं जला रहे। अरे भैया क्या हुआ? अब हम सोहन नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों, टॉर्च दिखा तो रहे हैं? हमें भूख लग रही है अब बस। अरे यार भैया यार सही कह रहे हैं, भूख तो हमें भी लग रही है, ऊपर से गर्मी भी लग रही है, कुछ करो ना। तो हम क्या करें, गर्मी तो हमें भी लग रही है, एक तो टॉर्च पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो रहा है हमारे। लेकिन यार अगर आप दोनों करें ना, छत पे आकर लड़ो। चुप। अच्छा रुको, हम बाहर जाके कुछ खाने का बंदोबस्त करके आते हैं, ठीक है? अरे कहाँ रह गए रुको भैया, हमारी भूख तो बढ़ती जा रही है। हमें क्या पता, हमें बता के थोड़ा गए हैं। कान लाओ कान है? कान आपको लगता है रुको भैया खाने में क्या लेंगे? ये बात वहां से नहीं बोल सकता था? आपको क्या लगता है रुको भैया खाने में क्या? चिल्ला के ला, वहां से बोला फिर मारा, यहां से बोला फिर मारा, बोले कहां से समझ नहीं आ रहा। अरे वाह कैसा है जी, मैं मारा क्यों? भैया बताइए तो सही क्या लाएंगे? चल चल बता रहा हूँ, ज्यादा वेटी मत कर। हमें जहां तक लगता है ना रघु भैया, दाल मखनी और बटर रोटी लाएंगे। नहीं रघु भैया चकोस लाएंगे, क्योंकि सबसे पास दुकान वही है। नहीं दाल मखनी और रोटी लाएंगे, चकोस लाएंगे। हम कह दिए ना दाल मखनी और रोटी लाएंगे, चकोस लाएंगे, चकूस लाएंगे। तुम भी ना। लड़ रहे थे क्या तुम दोनों? नहीं नहीं भैया, वो पड़ोस के बच्चे लड़ रहे होंगे। देखा हमने कहा था ना चकोस ही लाएंगे। नहीं लड़ रहे थे तुम दोनों, ये लो खा लो इसको। थैंक यू भैया, चकोस लाए हैं हमारे लिए। आराम से खाओ, बाबा थोड़ी ना जा रहा है। सही बात है, तेरा पेपर है। आजा बोलो, तू भी सो जा। और क्या है भैया, हमें नींद नहीं आएगी। सो जा शांति से। नहीं तो मत देखो भैया, भैया देखो तू कौन से पार्टी लेके सो रहा है। कोई नहीं सो जान दे, सो जा। लाइट आ गई। क्या हो गया? क्या कहाँ चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा है। अरे लाइट आ गई।
अरे भैया तो क्या करें, सो जाओ, कल पेपर है इसका, सो जा। बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बोले भैया पेपर है इसका। कितना टाइम बचा है? आधा घंटा हो गया, नवाब साहब की तरह सो रहे हैं। अरे नवाब साहब, चिंटू उठिए, चिंटू चिंटू। वो तुम्हारे ड्रामे कहीं आगे लगी, चलो नहाने चलो, पेपर है तुम्हारा, चलो। अरे भैया अभी सोने दो, देखना भाई कितना ढीठ है इसका पेपर, इसको पता नहीं। इसको खींच के लेके चलो यार। इसकी दुर्दशा देख के हमें ऐसी आती है कभी कभी। ये देखो इसको, ये मिरिंडा लगेगा। अरे इसको भैया बाथरूम में भेजो, नहा के बाहर निकलेगा। चल किधर रह गया ये? अरे पता नहीं कहाँ रह गया अंदर। अरे देखो जाके अंदर, कहीं सो तो नहीं गया? अरे कहाँ रह गया तुम? ये लगा भैया। अरे पानी पे इस पे डेली का हो गया इसका। तो आज तो तुम्हें नला के बताओ। भैया हमें लगता है इस बार ये तैयारी अच्छा किया है, पास तो हो जाएगा। अच्छा ये आ गया। ये देखो नवाब साहब को शर्ट भी नहीं पहनी, लेट हो जाएगा, पास अच्छा होगा ये। अरे इधर आओ, तुम्हें शर्ट डाले। अरे चलो, बहुत हो गया, पहनो। अरे पहनो ना। अरे यार उसमें आओ ना। जय जहन। क्या है ये? अरे मारे का है भैया। है क्या परेड निकाल रखी है ये? मैं जा रहा हूँ, आप लोग करते रहो, अच्छे से करके आना। ठीक है ओके। गया? हाँ शुगर है। चलो शुगर है गया। तो भैया अभी के लिए इतना ही, आपको इनका परिचय तो हो ही गया होगा। और भी कुछ नई कहानियों के साथ मिलेंगे आपको अगले एपिसोड।